दोस्तों फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे सेल स्टार्ट हो चुका है और अमेजोन पे भी सेल स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि ये सही समय है कोई स्मार्टफोन खरीदने का, क्योंकि ऑफर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। बट हाँ, कुछ ऑफर ऐसे भी हैं जो कि लुभावने तो हैं बट वो ऑफर नहीं, वो आपको सोच समझ के खरीदना है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन आपको अवॉइड करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इस लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का मोस्ट फेमस सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है। और अभी ये स्मार्टफोन 50,000 के प्राइस पॉइंट पर बिक रहा था, मतलब कुछ दिन पहले की बात करें तो। बट नाउ यू विल गेट दिस स्मार्टफोन ओनली ऑन 33,000 रुपीज़। बहुत अच्छा ऑफर है, इसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। इससे कम में आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 FE नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है BBD सेल में भी इतना कम में नहीं मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो मोटोरोला की तरफ से, और पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है, आउट ऑफ स्टॉक भी रहता है। ये है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो एज 40 न्यू, और पहले ये स्मार्टफोन 23,000 के प्राइस पॉइंट पर मिल रहा था, बट नाउ यू कैन गेट दिस स्मार्टफोन ओनली ऑन 18,999 रुपीज। ये भी बहुत अच्छा डील है, इसका प्राइस इतना कम कभी भी नहीं हुआ है। सो इस स्मार्टफोन को भी आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्मार्टफोन है, अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन चाहते हैं तो पोको का M6 Pro ले सकते हैं, जो कि 12,000-12,500 में बिकता था पहले, बट अभी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आप 8,500 रुपए में खरीद सकते हैं। इसका भी डील बहुत अच्छा है। उसी तरीके से बजट फ्रेंडली में सैमसंग का एक स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी F34, और सैमसंग का डिस्प्ले और कैमरे का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं रहता है। सो आप इस स्मार्टफोन को भी खरीद सकते हैं। पहले स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस पॉइंट पर बिकता था, बट अभी ये स्मार्टफोन 12,500 के आसपास मिल रहा है, इसे भी आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डील है वो है पोको का ही पोको X6 5G, और ये स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है वो 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और सेल से पहले ये स्मार्टफोन 20,000 में बिकता था, और अभी आप इसको खरीद सकते हैं 17,999 रुपए में। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 12 Plus 5G, और अगर आप कैमरे के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, न सिर्फ कैमरे के लिए बल्कि डिजाइन भी इसका बहुत अच्छा है। ये स्मार्टफोन पहले बिकता था 21,000 के प्राइस पॉइंट पर, बट अभी ये स्मार्टफोन 17,999 रुपए में आप खरीद सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से आने वाला न्यूली लॉन्च्ड मोटो एज 50 Pro 5G। 31,000 रुपए में लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन, बट अभी इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 26,500 रुपए में। ये भी एक बहुत अच्छा डील है। नेक्स्ट जो है सैमसंग का मोस्ट फेमस स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S23। S23 मतलब फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है और बहुत अच्छा होता है, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस रहता है, और ये स्मार्टफोन अभी कुछ दिन पहले 65,000 रुपीस में बिक रहा था, बट इस स्मार्टफोन को अभी आप खरीद सकते हो 45,000 रुपए में, और बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, सैमसंग का फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, इसमें आपको AI वगैरह सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है गूगल पिक्सल की तरफ से आने वाला गूगल पिक्सल 7a, और इसमें बहुत ज्यादा ऑफर नहीं है, 38,000 रुपीस में पहले बिकता था और अभी ये 35,000 के प्राइस पॉइंट पर बिक रहा है। बट ये स्मार्टफोन मैं उन्हीं लोगों को एडवाइस करूंगा जो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का काम नहीं रहता है, और जिनको एक कंप्लीट UI एक्सपीरियंस चाहिए, बढ़िया UI चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को खरीदें। यू कांट एक्सपेक्ट द ग्रेट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस स्मार्टफोन, बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलते हैं तो फिर ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं होगा। उसी तरीके से पिक्सल 8 भी आप खरीद सकते हो, जो कि 70,000 में बिकता था, अभी ये स्मार्टफोन आप 50,000 रुपीस में खरीद सकते हो, बट इसमें भी आपको ये चीज याद रखना है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन ये नहीं है। नेक्स्ट है नथिंग की तरफ से आने वाला न्यूली लॉन्च नथिंग फोन 2A। ये 22,000-23,000 रुपए में बिक चुका है, बट अभी इस स्मार्टफोन को 20,000 से भी कम प्राइस में खरीद सकते हो, 19,999 रुपीस। नेक्स्ट है नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग फोन 2, और ये स्मार्टफोन अभी बिक रहा है 33,000 रुपीस में। ओके, एक जो स्मार्टफोन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऑफर देखने को मिल रहा है वो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो फाइंड एन 3, और ये एक फ्लिप फोन है, 94,000 रुपीस में बिकता था, बट अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपीस में। बहुत ज्यादा कम हो चुका है प्राइस, ऑलमोस्ट आधा। वन प्लस के भी स्मार्टफोन में प्राइस बहुत कम हुआ है, जैसे अगर वन प्लस 11R की बात करें तो वन प्लस 11R पहले 36,000 रुपीस में बिकता था, बट अभी ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीस में, और 30,000 रुपीस में वन प्लस का एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन होना अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है, आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हो। उसी तरीके से अगर बात करें वन प्लस नॉट 3 की, जो कि लॉन्च हुआ था 34,000 रुपीस में, और बहुत बार ये स्मार्टफोन 25,000 रुपीस में 24,000 रुपीस में बिका है, बट अभी ये स्मार्टफोन ऑफर में 26,000 रुपीस में बिका है, और 26,000 रुपीस में यस अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बट पहले जितने ऑफर में आया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी सेंस नहीं बनाता है,
बिल्कुल इस स्मार्टफोन को ना खरीदें। ये स्मार्टफोन तभी खरीदें जब आपको ये स्मार्टफोन 22,000 या 23,000 के आसपास मिले। तो उसी तरीके से OnePlus 11 में भी आपको अच्छा खासा ऑफर देखने को मिल रहा है। ये स्मार्टफोन पहले बिकता था 51,000 के आसपास में, बट अभी स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं 43,000 रुपीस में। न्यूली लॉन्च Nord CE4 जिसका हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो डाल दिया है, अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसको मैंने खरीदा था 25,000 रुपीस में, बट अभी ये स्मार्टफोन बिक रहा है 23,000 रुपीस में। अगर आपका बजट 20,000 के बिलो है और आप खरीदना चाहते हैं एक पावर पैक्ड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो iQOO की तरफ से iQOO Z9 खरीद सकते हैं। पहले ये स्मार्टफोन 20,000 के प्राइस पॉइंट पर बिक रहा था, बट अभी आप इसे खरीद सकते हो 17,999 रुपीस में, और ये बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट iPhones। तो देखो, सबसे पहली बात कि iPhone खरीदने का ये बेस्ट सीजन नहीं है, बेस्ट समय नहीं है, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा रेट में मिलेगा। हाँ, कुछ ऑफर हैं, अगर आप खरीदना चाहते थे तो खरीद सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि BBD सेल का वेट करें, क्योंकि अभी आपको उतना ज़्यादा ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है। iPhone 15 अभी आपको मिल जाएगा 64,000 रुपीस में, और अगर आप बड़ा स्क्रीन का फ़ोन चाहते हैं तो iPhone 14 Plus खरीद सकते हैं, वो आपको 60,000 रुपीस में देखने को मिल जाएगा। और iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 इसमें भी ऑफर्स हैं, बट मैं कहूँगा कि iPhone 12 ना खरीदें, उसको अवॉइड करें, क्योंकि 64GB वाले वेरिएंट में ऑफर है, और अगर आप 128GB वाले में जाएंगे तो फिर वही 13 के ही बराबर हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा कि आप 13 खरीद लें। बट मुझे लगता है कि iPhone खरीदने का ये सही समय नहीं है। अगर आप iPhone ही खरीदना चाहते हैं तो BBD सेल का वेट करें, उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, कार्ड पर लिंक दिया हुआ है या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो स्मार्टफोन ना खरीदें, मतलब ऑफर है इसका मतलब ये नहीं है कि खरीद लेना है, अगर ज़रूरत है तो ही खरीदें, और उसी स्मार्टफोन को खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको अच्छे खासे ऑफर में देखने को मिल रहे हैं, और ये सेल अभी 9 तारीख तक चलने वाला है, तो आराम से अपना डिसीजन बना सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।